हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पेपर वन के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे, क्योंकि आज के पेपर में मैंने बार बार आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। जिन्होंने भी कल अगर जो भी वीडियो हमने आपको YT पे प्रोवाइड की थी, अगर आपने वो सारी वीडियोज़ देखी होंगी तो वहाँ से आपके देखे बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस आपके जो भी पेड कंटेंट जो बच्चे भी लिए थे वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चंस बने हुए थे। तो आप उन सारी चीज़ें जो भी वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ, और जिन बच्चों को भी कोर्स लेना है वो कोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी कोर्स ले सकते हैं और बाकी अभी 9 पेपर हैं, तो देरी ना करते हुए आप कोर्स में भी इनरोल हो सकते हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट MCQ चैनल पर अपलोड है उसको आप ज़रूर देखिए एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पिछले साल के पेपर को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है लाइबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। और यूट्यूब पर आप अगर कंप्लीट थ्योरी सेशन, कंप्लीट MCQ भी मैंने अपलोड किया है, आप अगर सर्च करो कंप्लीट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर वन बाई शिवानी स्टडी है, मिल जाएगा। थ्योरी सेशन भी है, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है ऑलरेडी। यहाँ पर बात करें लाइबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यहाँ यही क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जितनी भी आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, जॉइंट हिंदू फैमिली के, इन सारी की मीनिंग, इन सारी की डिफिनेशन, इन सारे के जो भी फीचर्स, उनको ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो लाइबिलिटी होती है एक सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्या होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, जॉइंट की नन होती हो। तो लाइबिलिटी यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वहाँ पर एक अकेला बंदा क्या है, अकेला ही चीज़ों को क्या करता है, रन करता है, रिस्क बियर करता है एवरीथिंग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। वन मैन कंट्रोल की अगर हम बात करें, वन मैन कंट्रोल इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज सेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये किसके द्वारा कही गई है, एल एच हैनी किम्बल के द्वारा, विलियन आर बेसेट के द्वारा, जॉनसन के द्वारा। तो वन मैन कंट्रोल सबसे बेस्ट होता है इन द वर्ल्ड, ये जो स्टेटमेंट है या ये लाइन जो है कही गई है वो किसके द्वारा गई है, विलियम आर बेसेट के द्वारा। तो सेकंड का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, तो कौन सा इसमें से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस, साइंस, चैरिटी, प्रोफेशन। तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब उसके बदले आप क्या कोई काम कर रहे हो, उसके बदले आपको क्या है, कोई सैलरी मिल रही है। लेकिन यहाँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहाँ पर आपको पैसे नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चैरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक मान के चलो ढांचा, अगर हम कहें एक आधार होता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंडस्ट्री एंड बिजनेस की, कॉमर्स एंड बिजनेस। तो एक बिजनेस का बेस अगर हम बात करें, तो बेस यहाँ पर बात करेंगे तो इंडस्ट्री और जो कॉमर्स होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर बेस होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एसेंशियल फॉर द सक्सेस इन द बिजनेस, मतलब अगर बिजनेस में हमें सक्सेस चाहिए तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैपिटल चाहिए, इफ़िशेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मशीन की ऑनेस्टी। तो सबसे यहाँ पर देखिए, जरूरी तो सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बेस्ट ऑप्शन चूज़ करें तो बी, इफ़िशेंट, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो इफ़िशेंट होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, टर्शरी, सेकेंडरी, कॉमर्शियल की प्राइमरी इंडस्ट्री। तो सिक्स का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, जो कि टर्शरी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर सेवन है, अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे कि नहीं है एग्जाम्पल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, पैट्रियोटिज्म, सेंटीमेंट, टीचिंग की सिंपैथी। तो सेवन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग। क्वेश्चन नंबर एट है, डैश इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड, मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर क्या होती है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, बिजनेस हो गया, सर्विस हो गया, प्रोफेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की यहाँ पर बात की गई है, तो ये किस में होती है, प्रोफेशन में होती है, सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द स्टेज ऑफ प्रमोशन। यहाँ पर इसमें से कौन सा एक स्टेज होता है प्रमोशन का? नई आइडिया को डिस्कवर करना, इन्वेस्टिगेट करना, वेरिफिकेशन करना, बहुत सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना हो लगती है वह, तो स्टेज होता है प्रमोशन का। तो प्रमोशन का एक स्टेज ये सारे के सारे होते हैं, नई चीज़ों को डिस्कवर करना, वेरीफाई करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 9th का बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 है, लायबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये फिर से यही एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसके पहले था यही, लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, तो बी ऑप्शन। 11th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। एक होता है ऑक्सिलरी, एक ट्रेड होता है, एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है, तो नहीं पूछा है यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस, माइनिंग, वेयर हाउसिंग, तो नहीं होता है, तो 11th का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइनिंग। 12th है, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपुल वर्क्स फॉर अदर, मतलब ऐसा पेशा या ऐसा व्यवसाय अगर हम बात करें जिसमें काम किया जाता है और उसके बदले रिटर्न में मिलता है, तो दैट इज़ नोन एज ट्रेड, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट की ऑल ऑफ द, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12th का बिल्कुल सही, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुड्स इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। गुड्स हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए, तो उसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, दैट इज़ फॉरन ट्रेड, एंड्रोपोर्ट, होम ट्रेड की ट्रेड, तो दैट इज़ 13 का ऑप्शन नंबर बी, एंड्रीपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, अगर हम बात करें ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, ये स्टेटमेंट है कहाँ पर ये जो है लागू होता है, कंपनी में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, कि कॉपरेटिव में, तो ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, बेसिकली ये जो होता है आपके ऑप्शन नंबर सी, पार्टनरशिप, साझेदारी में क्या होता है स्टेटमेंट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन द कॉपरेटिव सोसाइटी। जो कॉपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड, नो लाइबिलिटी की, नन ऑफ दीज, तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन द कॉपरेटिव सोसाइटी वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ये क्वेश्चन ज़्यादा आएगा आपके कि कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड सोल प्रोप्राइटरशिप में, देखिए इन सारे से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जितने भी मतलब जो भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है उसमें मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्टर्स मेंबर्स कितने होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी की बात करें, लिमिटेड 220, 250, 200, तो यहाँ पर नोट में लिख लेना, इंपॉर्टेंट टर्म्स में बता दे रही हूँ। अगर यहाँ पर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में मेंबर्स 20 होते हैं मिनिमम की बात करें, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो कितने होते हैं, 200, प्राइवेट की हम बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर पब्लिक की बात हो रही है तो पब्लिक में यहाँ मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम 9 मेंबर्स, ठीक है, तो डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा व्यावसायिक संगठन है जहां पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। याद रखना, पार्टनरशिप है, कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ अ कंपनी, जहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है 18, प्रिंसिपल फॉलोड इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन सी प्रिंसिपल फॉलो की जाती है यहाँ पर, वन मैन वन वोट, वन शेयर वन वोट, नो वोट की मल्टीपल वोट्स, तो जो प्रिंसिपल फॉलो की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, ए वन शेयर वन वोट, मतलब एक शेयर एक वोट। 19 है, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर की बात करें जहाँ पर क्या है, ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग रहता है। एज़ फॉर लॉ इज़ कॉल्ड कंपनी, ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, ई पार्टनरशिप, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सजेशन होता है, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। 20 नंबर क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो किस में अनिवार्य होता है, पार्टनरशिप में, कंपनी में, सोल प्रोप्राइटरशिप की, ऑल ऑफ दी अबव में, तो जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपल्सरी होता है किस में, कंपनी में। 21 है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पढ़ लीजिएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, मेंबर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए। 21 है, जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें प्राइवेट कंपनी में, तो एक होते हैं, 3, 2 की 5,
तो याद रखिएगा भी क्वेश्चन, अगर यहाँ पर प्राइवेट पूछेगा तो दो होते हैं, पब्लिक पूछेगा तो पांच होते हैं, मिनिमम यहाँ पर पूछा है तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 22, हिंदू ससेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1916, 1932, 1956, 1952। तो हिंदू ससेशन एक्ट इसको पास्ड किया गया था कहाँ और कब, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, द रिलेशन ऑफ अ प्रोमोटर्स विद अ कंपनी, प्रोमोटर्स का कंपनी से क्या रिलेशन होता है, एक ट्रस्टी का, फिड्यूशरी का, एजेंट का, कि नन ऑफ दिस। तो ये यहाँ पर एज अ विश्वास दैट इज फिड्यूशरी। ठीक है, देखो आपको बाकी के सब्जेक्ट के लिए कोर्स, अभी आपके 9 पेपर हैं और 9 पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर लो, वहाँ से ये कोर्स इनरोल होने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ 8896914354। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन, आज जो 50 क्वेश्चन आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के हैं वो टोटल, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं, माइनिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक की सर्विस इंडस्ट्री। तो माइनिंग एक एग्जाम्पल होता है किसका, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। 25 है, द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो मुखिया होता है, अगर हेड की बात करें, करता होता है प्रोप्राइटर, मैनेजर की डायरेक्टर, सो दैट इज़ करता। 26 है, द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दिस मीन्स मतलब पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स की जो पर्सनल असेट्स कैन नॉट बी यूज फॉर रीपेइंग द फर्म डेब्ट, पार्टनर्स की जो पर्सनल असेट्स वो यूज्ड हम रीपे कर सकते हैं, कि पार्टनर्स विल एंजॉय द अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। तो 26 का अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27, द वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द प्रमोशन ऑफ द न्यू बिजनेस, मतलब एक ऐसा बंदा जो कि एक व्यवसाय के प्रचार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल प्रमोटर, ओकेजनल, टेक्निकल, की नन ऑफ दीज। तो दैट इज़ 27 ऑप्शन नंबर सी, टेक्निकल। ऑल द रिस्क आर बॉर्न बाई वन पर्सन, तो ऐसा कौन सा बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर एक बंदा इसको बियर करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, पार्टनरशिप, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ऑप्शन नंबर सी। 29, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, मैंडेटरी, एजेंशियल, की ऑल ऑफ दी। तो रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म का जो क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज़ इनकरेक्ट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है। आर्टिफिशियल पर्सन, भाई कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन यहाँ पर, परपेजुअल सजेशन, नॉन ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर, सेपरेट एंट्री, तो ये तीनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सही, कि ये इनकरेक्ट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, हाँ बिल्कुल होता है, यूटिलिटी क्रिएट करना, प्रॉफिट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस की अगर हम बात करें तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। 32 है, पार्टनर हु इज़ नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप बट वो लेंड्स हिज नेम फॉर पब्लिक रिलेशन, साइलेंट पार्टनर, नॉमिनल, जर्नल की डोमिनेंट पार्टनर, तो 32 का आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, नॉमिनल पार्टनर। 33 है, डैश कंपनी डज नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बोथ है एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो 33 में ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, ये ऑप्शन। 34, द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब ये लॉन्ग लाइफ भी चलता है, चल भी नहीं सकता, मतलब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 34 का आंसर की बात करें तो स्टेबल, अनस्टेबल, लॉन्ग लाइफ की वेरी शॉर्ट, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी, अनस्टेबल। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेंबरशिप जो होता है इज बाय बर्थ, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कॉपरेटिव, गवर्नमेंट कंपनी, तो ऑप्शन नंबर बी।
36 है प्रॉस्पेक्टस कौन इशू करता है, कौन जारी करता है, तो प्रॉस्पेक्टस इज इशूड बाय द पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्टेटरी की डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो ऑप्शन नंबर ए पब्लिक कंपनी। 37 है पर्सनल कॉन्टैक्ट और सिक्रेसी जो होता है वो फीचर होते हैं किसके, सोल प्रोप्रेटरशिप के, पार्टनरशिप कंपनी की, कॉपरेटिव सोसाइटी। तो पर्सनल जो कॉन्टैक्ट और सिक्रेसी होते हैं बेसिकली ये आपके क्या होते हैं, सोल प्रोप्रेटरशिप। 38 है ए फॉर्म विल ऑटोमेटिकली बी डिसॉल्व इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, रनिंग इन टू लॉस, पार्टनर्स बिकम हैंडीकैप्ड इन वन ऑफ दीज, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेथ ऑफ ए पार्टनर। 39 है सोल प्रोप्रेटरशिप जो होता है सिटेबल होता है इनके कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेस ऑपरेशन, लार्ज स्केल मैनेजमेंट, नॉन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर 39 का बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्सन कैन नॉट बी ए नॉमिनी इन मोर देन डैश वन पर्सन कंपनी, 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 40 का ए। ठीक है, तो ये PYQ था, इसके बाद भी मैं एक और PYQ डालूंगी 2021 और 22 के, और कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो कि वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके।